welcome students today we will learn how to convert bigger unit to smaller and smaller unit to bigger today we will learn the conversion of units for this you have to learn a statement and the statement is king harry died mummy didn't cry much ये एक ऐसी लाइन है जिसको याद करने से आप कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स नहीं भूलोगे हमें पता है कि मैट्रिक सिस्टम में लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है और वेट का ग्राम होता है और कैपेसिटी का लीटर होता है लाइन को हम कैसे करेंगे ग्राम के लिए हम बोलेंगे किंग हैरी ग्रैनी ग्रैनी का मतलब दादी डिडेंट क्राइ मच और लीटर के लिए हम लिखेंगे लिली जो कि किंग की फ्रेंड थी किंग हैरी डाइट लिली डिडेंट क्राइ मच यहां पर के का मतलब किलो एच से हेक्टो डी से डेका एक चीज मैं क्लियर कर दूं, डेका को हम डी ए से लिखते हैं सेम मम्मी के लिए मीटर है ग्रैनी के लिए ग्राम है लिली के लिए लीटर है डिडेंट का डी डेसी बनेगा और डेसी को हम सिर्फ डी से लिखते हैं सी फॉर सेंटी एम फॉर मिली अब मैं बताती हूं यूनिट कन्वर्ट कैसे करने हैं। बस एक आपने चीज याद रखनी है कि जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जंप करेंगे तो एक जंप का मतलब होगा मल्टीप्लाई बाय और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो होगा एक जंप का मतलब मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन बस ये आपने जब बात याद रख ली तो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट कभी नहीं भूलेगा रिपीट करते हैं King Harry died. Mummy didn't cry much. King Harry died. Granny didn't cry much. King Harry died. Lily didn't cry much. ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो पूरी लाइफ आप कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को नहीं भूलेंगे सिखाती हूँ कैसे अब देखिए यहाँ पर पहला है वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं तो ये मीटर एम स्टैंड फॉर मीटर तो मुझे ये मीटर वाली लाइन लिखनी पड़ेगी किंग हैरी से क्या बन गया मम्मी क्राई मच किलो से मीटर की तरफ जाना है तो ये देखिए किलो से वन जंप हेक्टो फिर डेका फिर ये मीटर तो कितनी जंप्स इसने की हैं? थ्री मैंने ऊपर बताया यहां मल्टीप्लाई बाय टेन तो टेन थ्री बार आ गया तो क्या बन गया थाउजेंड अब देखिए वन डैका लीटर में कितने डेसी लीटर होते हैं तो यहां लिली वाली लाइन आ जाएगी किंग हैरी डाइट लिली डिडंट क्राई मच अब डेका से डेसी जाना है यानी बड़े से छोटे वन जम्प टू जम्प तो कितने हो गए मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय टेन टेन इंटू टेन हो गए हंड्रेड या ये भी कह सकते हो जितनी जम्प्स है उतने जीरोस अब देखिए वन मिली लीटर में कितने लीटर होते हैं तो पहले मैं लिल्ली वाला लिखूंगी किंग हैरी डाइट लिल्ली डिडेंट क्राई मच मिली लीटर से वो लीटर की तरफ जा रहा है वन जंप जब छोटे से बड़े को जाना है तो हमने नीचे से करना है टू एंड थ्री तो मल्टीप्लाई वन अपन वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन तो आ गया वन अपॉन थाउजेंड सेम ये ग्राम है तो यहां कौन सा लगेगा किंग हैरी डाइट ग्रैनी डिडेंट क्राई मच सेंटीग्राम से ग्राम सेंटी से ग्राम यानी छोटे से बड़ा तो नीचे को जम्प्स लगाएंगे यानी वन अपॉइंटेन वन टेन, तो बन गया वन अपॉन हंड्रेड सेम से मीटर अब किंग हैरी डाइट मम्मी डिडंट क्राई मच हेक्टो से मीटर बड़े से छोटा है तो ऊपर जम्प्स लगी आप देख रहे हो मेरी कितनी जम्प्स है टू तो वन के आगे टू जीरोस आइए थोड़े से आपको सम करके दिखाती हूं ये पहला सम है कन्वर्ट नाइन मीटर टू मिलीमीटर। अब फिर से मीटर का है किंग हैरी डाइट मम्मी डिडेंट क्राई मच अब मीटर से मिलीमीटर, ये मीटर है ये मिली के लिए है बड़े से छोटे में जा रहे हैं वन जम्प टू जम्प थ्री जम्प तो ये टेन ये टेन ये टेन तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए थाउजेंड मिलीमीटर तो नाइन मीटर में कितने हो जाएंगे नाइन थाउजेंड मिली मीटर. अब हम नेक्स्ट करते हैं नाइन थाउजेंड थर्टी फोर मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है डेसीलीटर में तो यहाँ लीटर है तो मैं कौन सी स्टेटमेंट लगाऊंगी लिली वाली तो आ जाएगा किंग हैरी डाइट लिली डिडंट क्राई मच अब मिलीलीटर से डेसीलीटर लीटर या जाना है यानी मिलीलीटर से डेसी तो आप देख रहे हो छोटे से बड़े में जाना है तो मैं नीचे करूंगी तो क्या आएगा वन पॉन्टेन वन पॉन्टेन तो मैं यहाँ लिखूंगी वन मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर हो गए हंड्रेड डेसी लीटर एक चीज क्लियर कर दू डेका के लिए हमेशा आपने डी ए यूज करना है और डेसी के लिए आपने सिर्फ डी यूज करना है तो नाइन थाउजेंड थर्टी फोर मिली लीटर हो गए इसके अपॉन हंड्रेड आ गया अब आपको इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है पहले हम नंबर लिखेंगे वी विल काउंट जीरो वन टू तो यहां भी वन टू टू डिजिट छोड़कर डेसिमल्स लगा देंगे आइए दो और सम्स करते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं अब अगला है वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना तो यहां कौन सी स्टेटमेंट लगेगी मम्मी वाली किंग हैरी डाइट मम्मी डिडेंट क्राई मच मीटर से हैक्टोमीटर यानि छोटे से बड़े में तो आप नीचे को प्रेफर करें तो वन अपॉइंट टेन वन अपॉइंट टेन तो आ गया एक मीटर में अब वन अपॉइट टेन वन अपंट टेन कितने हो गए वन अपॉन हंड्रेड हैक्टो मीटर तो सेम जो अभी हमने पिछले सम में किया इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे डेसीमल्स में तो डेसिमल्स में वन टू वन टू यहाँ पर आ गया द लास्ट सम बट नॉट द लीस्ट किलो लीटर्स को लीटर्स में चेंज करना तो यहां हम लिल्ली पढ़ेंगे इसी तरह से अगर ग्राम्स आ जाए तो वहां पर ग्रैनी वाली स्टेटमेंट आप लगा देंगे किंग हैरी डाइट लिल्ली डिडंट क्राई मच किलो से लीटर की तरफ वन यानी बड़े से छोटे की तरफ मैं ऊपर लगाऊंगी टेन 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 तो एक किलो लीटर में कितने लीटर्स हो गए थाउजेंड तो सेम अब ये आप मेरी वीडियो देखिए मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर्स विद टेन हंड्रेड थाउजेंड सो ऑन उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम इसको ऐसे ही लिख देंगे वन टू थ्री अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वन टू थ्री तो इधर से वन टू थ्री पॉइंट लगा देंगे मैंने उस वीडियो में बताया है कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो जीरो जीरोज हो, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती द आंसर विल बी दिस So this was the conversion of units in a very easy manner. Thank you.